इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। सभी को अस्सलाम वालेकुम, भाइयों बहनों, बच्चों बेटियों, कुछ बातें हैं आप सुनना जरूरी है। यहाँ पे सभी जिम्मेदार है, हजरात को सबको अस्सलाम वालेकुम। जमातों के सदर नुमाइंदीन और सबसे बढ़ करके हमारे बच्चे जो आज डॉक्टर बन के हमारी हिफाजत करने की कोशिश करें, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिन में 1 लाख लोग हिंदुस्तान में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, 1 लाख पर डे, मतलब बरगाम शहर की आबादी शादी की शादी 10 दिन में पूरी पॉजिटिव हो सकती है। ये एक नेशनल एवरेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हम करें तो क्या करें, ऐसे नहीं कि बुखार आए तो प्रोटीन खा लिया, सर्दी हुई तो सिनारेस खा लिया, बद आदमी है तो कुछ ले लिया, या ज़्यादा हजम हो रहा है तो फिर कुछ और ले लिया, ऐसी तो बीमारियाँ हैं। इस पर रिसर्च काफ़ी हो रहा है। आज सुबह के न्यूज में बीबीसी लंदन से जो हमने सुना, इसमें कहा गया कि रशिया में जो वैक्सीन गए महीने में रिलीज हुआ था उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जो इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो रही है जिनको वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीन बनने में और हर एक को इनोक्युलेट करना या वैक्सीन देना, हिंदुस्तान में करीब करीब 135 करोड़ लोग हैं, 2 बार इनको दिया गया तो 270 करोड़ होते हैं, देते देते बनते बनते 1.5 साल लग जाता है, ऐसे नहीं कि आज आया और कल लगा दिया। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर्स का, थैंक यू वेरी मच, जो आज टाइम निकाल के लोगों की खिदमत में आए हैं। सबसे बड़ा पार्ट आज अगर हमारे वतन में कोई कर रहे हैं, कोई निभा रहे हैं तो हमारे डॉक्टर्स हैं। साथ ही साथ अकरम भाई का जमात के सदर सेक्रेटरी और जमात के इमरान का सूरज भाई ने और हमारे चेयरमैन साहब ने आपको डिटेल में बताया। मैं 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हम ये मेडिकल कैंप्स क्यों रख रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम अंजुमन में देख रहे थे कि डॉक्टर के पास लोग जाने के लिए घबरा रहे हैं, क्या डॉक्टर उठा के हॉस्पिटल भेज देंगे, वहाँ क्वारंटाइन होगा, वहाँ परेशान हो जाएंगे। तो एक नॉर्म निकालने के लिए हमने एक कैंप स्टार्ट किया कि आप डॉक्टर पर जाएंगे, सर्दी से बुखार हो सकती है, सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, इसका माना नहीं कि हर चीज़ कोरोना है या कोविड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्लाह ताला के नाम से बड़ा मेहरबान है, रहमाना है। अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के खिदमत जिस कदर अंजाम दिया जा रहा है, मैं शुरुआत से देख रहा हूँ, जब से कोविड का दौर शुरू हुआ तो एक डर खौफ का माहौल था, तो ऐसे वक्त में अंजुमन इस्लाम ने कोविड के दरमियान और उससे पहले भी कि कई सारे लोग जो दूसरे ज़िला से यहाँ पर अटके हुए थे, यहाँ से बाहर जाने वाले थे, उनके लिए जो है जनाब सदर ना सिर्फ ये
कोविड के दरमियान मौतों का भी रेट ज़्यादा हो गया, इनकी मौतों की तादाद भी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर भी गुसल का और शरई तौर पर, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि कौन कहाँ, यहाँ तक ऐसे भी मामले देखे गए कि लाशें अदला बदली हो गई, ऐसे भी मामले बेलगाम के अंदर देखे गए। लेकिन अंजुमन इस्लाम ने इसमें भी पेशकदमी करते हुए उनको शरई एतबार से गुसल वगैरह देकर जनाजे की नमाज भी पढ़ने वाले जो पीपी किट के साथ वो भी इन्होंने इंतजाम किया, और ये वाकई बहुत ही बड़ा सराहनीय इकदाम रहा। इसके बाद जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों के अंदर जो मरने का जो तादाद ज़्यादा थी, तो इसको मद्देनजर रखकर अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम ने जो काम को अंजाम दिया है, मैं ये बिला मुबालगे से ये बात बताता हूँ कि इस राजू शेख साहब की इस इकदाम को ना सिर्फ बेलगाम शहर बल्कि मुख्तलिफ दावतगिरी बैंगलोर तक जो है इस बात का चर्चा हुआ, यहाँ तक कि बेलगाम की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस बात का तस्करा किया गया कि जब अंजुमन इस्लाम इस काम को अंजाम दे सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आज़ाद नगर में मेडिकल कैंप मुनक़द किया गया है ज़ेर एहतमाम अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के। हर मोहल्ले में अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की जानिब से मेडिकल कैंप मुनक़द किए जा रहे हैं। जैसे ही हॉल के अंदर एंट्रेंस में दाखिल हुए, जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, मुझे तो लगता है कि सबसे बेहतरीन जो है मेडिकल कैंप जो है आज़ाद नगर में ही मुनक़द हुआ है। अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम का मकसद मेडिकल कैंप मुनक़द करना, जिस तरीके से कोरोना वायरस ये बीमारी है, लोगों के अंदर से डर और खौफ निकल जाए और लोग डॉक्टर्स के पास आकर अपनी बीमारी बताएं और उस बीमारी का इलाज कर ले। लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये बीमारी चली गई है, बीमारी आई थी अभी भी है और चले नहीं गई है। आज यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया की तरफ से प्री मेडिकल चेकअप कैंप है, जहाँ पर जो लोगों के अंदर डर बैठा है इस कोरोना को लेके कि हमको नहीं दिखाना है, अगर हम वो दम दिखाएंगे तो हमें बहुत सताएंगे लोग, अगर हमको कोरोना हुआ है तो ये डर जो एक चीज़ है वो हटाने के लिए आज एक मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है, जिसमें हम डॉक्टर्स की टीम और अंजुमन की टीम हम मिलके पेशेंट्स लोग का इलाज कर रहे हैं। तो एक कैंप के ज़रिए हम यही बताना चाह रहे हैं लोगों को कि जो आपके अंदर डर है कोरोना को लेके उसे निकालो, अगर आप बीमार हैं तो आओ डॉक्टर्स को आके बताओ। ऐसा नहीं कि आपको हर छोटी चीज़ के लिए कोरोना बोल के एडमिट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो तकलीफ़ है हम उसके हिसाब से आपका इलाज करेंगे। अगर आप घर पर बैठे रहे तो आप लोग खुद भी बीमार रहोगे, दूसरों को भी बीमार करोगे। तो ये डर निकालो, जो भी डर है उसे हटाओ और आओ, बाहर निकलो, हम डॉक्टर्स के पास आओ, हम आपकी मदद करेंगे। जो है हर तरह के यहाँ पर ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिल रही है। अगर आप फाइनेंशियली पुअर हैं, आपके पास पैसों की कमी है, तो वो भी आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अंजुमन इस्लाम ने ये पूरा सेटअप करके रखा है कि अगर आपको कोरोना से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो ट्रीटमेंट में हो, दवाइयों के लिए खर्चा हो या ऑक्सीजन का भी हो, वो भी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो बाहर आइए, खुद को भी ठीक रखें और दूसरों को भी ठीक रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं तमाम मुसलमान भाई बहनों से और मेरे अहबाब दोस्तों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपना खुद का भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें। साथ ही साथ जो भी अपने को सिम्टम्स दिख रहे हैं, अपने आसपास में जो भी डॉक्टर है उनसे जाके और रब्ता करें और अपना खुद का चेकअप करवाएं, बराए मेहरबानी है। बस इतना ही बोलता हूँ मैं, और अल्फा लैब की तरफ से सबका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं डॉक्टर नसरीन फैजुल्ला बेपारी,
तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम की टीम प्लस हमारे कॉरपोरेटर साहब प्लस उनके सपोर्टर्स और उनकी टीम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको जो भी है शुरुआत में अगर आप हमारी लोगों से गुजारिश है कि आपको शुरुआत में अगर सर्दी खांसी बुखार है 9 दिन के अंदर अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ऑक्सीजन भी कम नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको वो नौबत नहीं आएगी कि हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन लगाएं एडमिट हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क यूज़ करें और सैनिटाइज़र्स यूज़ करें। जो भी है आप घर में जाएं तो सैनिटाइज़र्स यूज़ करें, बाद में बच्चों को ले बाद में बड़ों के साथ बात करें, जो भी है आप प्रिकॉशन लेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनिशियल 9 डेज जो इम्पोर्टेंट है इसी में आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका इंशाल्लाह आगे कुछ भी नुकसान नहीं होगा और हम आपके लिए खड़े हैं ह्यूमैनिटी के लिए। आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े डॉक्टर्स की हमें कॉल करिए, हमारे पास आइए, हमारे से राय मशवरा कीजिए। सिर्फ दवाई लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करना इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपका CRP लेवल के ऊपर हम लोग डायग्नोस करेंगे, आपको ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज में देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंजुमन इस्लामी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो बुलाए हैं इस टॉपिक पे, आज जो फंक्शन रखे हैं कोविड के ऊपर उसका दिल से शुक्र अदा करती हूँ उनका। जो कुछ है सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी तक,